नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस नई वीडियो में, जहाँ तक कि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे चीज़ के ऊपर, वो छोटी ज़रूर है पर आपके बहुत बहुत के काम की है। वो कौन सी है और उसके एडवांटेजेस क्या है, चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो ये वीडियो में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए और एक पूर्ण बात आपके आपसे शेयर करनी थी, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो, यह हमारे पास है बाइक लिक्विड पॉलिश मोटोमैक्स की, और इसको रबिंग कम पॉलिश भी बोलते हैं, और ये मिलती है तकरीबन 30 रुपये की। अभी फ़िलहाल तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, तकरीबन 40 रुपये तक आपको ये मिल जाएगी। और इसके जो एडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके जो एडवांटेजेस है वो ऐसे हैं कि धूप में अगर आप अपनी बाइक खड़ी रखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ने से आपका जो कलर है वो डल होता है, और जो आपका कलर है वो निकलने लगता है, और थोड़ी सी पपड़ी जैसी आपके गाड़ी में होती है। तो इससे इससे क्या होगा, इससे तो कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर इतना ज़रूर है कि अगर हम इसको अपने गाड़ी के प्लास्टिक के ऊपर आप अगर अप्लाई करते हो तो उसमें एक लेयर बन जाती है। उस लेयर बनने से जो आपकी सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में ना पड़ते हुए पहले उस लेयर पे पड़ेगी, और वो लेयर जो है आपने लगाया है वो मोटोमैक्स बाइक लिक्विड पॉलिश का, उस पर पड़ने से वो लेयर इवेपरेट हो जाएगी। उससे फिर आपके आपका जो ये पैनल है या फिर आपका जो प्लास्टिक मटेरियल है ये बच सकता है, मतलब आपका जो कलर है कुछ हद तक बच सकता है कलर डल होने से। और इसको मैं अभी अप्लाई करता हूँ अपनी गाड़ी में, तो उस प्रकार से भी आप इसको परचेस करके इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो दोस्तों, मैंने अभी 2-3 दिन हुए मैंने इस पर वो जो अपनी ट्रीटमेंट है बाइक लिक्विड पॉलिश की वो तो की है, इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा होगा कि इसमें पहले कितना जो मेल था इसमें। तो दोस्तों, ये मेरे गाड़ी का पार्ट है, इस पर मैंने अप्लाई नहीं किया था, और इस वीडियो के लिए ही मैंने ये बचा के रखा था। तो आप देख सकते हो, आप कैमरा में जस्टिस कर पा रहे होंगे कि कितने हद तक इसमें जो वाटर ड्रॉप्स हैं गाड़ी धोने के बाद रहते हैं, और कितने हद तक मट्टी बैठी हुई है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी धूल वगैरह है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपन इसको धो लेंगे, या फिर के बाद एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये जो लिक्विड पॉलिश आपको स्पंज पे नहीं लेनी है दोस्तों, स्पंज पे लेने से क्या होता है, ये जो स्पंज है ना वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके वजह से ये कुछ खास दिखती नहीं, और आपको सीधा डायरेक्ट आपके हाथ में लेना है ऐसे, और ऐसे अप्लाई कर देना है अपनी गाड़ी पे, हाथ से ही अप्लाई कर देना है दोस्तों, स्पंज नहीं लगाना है। अगर स्पंज लगाओगे तो ये आपको ज़्यादा देर तक आपकी टिकेगी नहीं, वही स्पंज आपका जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। इसे अप्लाई करने के बाद आपको इसे 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, और ख़ास यही पार्ट पे ज़्यादा आपको रगड़नी है। देखा दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको पेट्रोल टैंक में लगाना है, उसके बाद जो भी प्लास्टिक मटेरियल है सबको लगा देना है, टेल लाइट, ये फेंडर, ये वाला फेंडर, इंडिकेटर्स, ये वाला ये जो होल्डर है इस पे लगा देना है, सॉरी हैंगर है पिलियन वाला, और उसके बाद इधर लगा देने सब, और वाइज़र पे लगा देनी है अच्छे से, उसके बाद इस पे लगा देनी है, उसके बाद हेडलाइट को भी आप लगा सकते हो, इंडिकेटर्स पे लगा देनी है, बस ये रही थी। और ख़ास कर ये जो लोहे वाला मटेरियल है इस पे आपको लगाना नहीं है दोस्तों, इस पे वो एक अलग पॉलिश आती है, इस पे वही लगा देनी है, ये नहीं लगानी है। उसके बाद कपड़े से इसको पोंछते हैं दोस्तों, 1-1.5 मिनट के बाद आपको अच्छे से सूखा कपड़ा लेना है, और उससे आपकी गाड़ी की जो पॉलिश है वो पोंछनी है। देखा दोस्तों कैसी शाइन आ रही है। तो इस प्रकार से आप घर पे भी कर सकते हो, और जो कोटिंग लोग बोलते हैं शोरूम पे, तरह तरह की टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं गाड़ी में बाइक में, वो 300 से 400 रुपये लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बाइक को हर 2 से 3 महीने में एक बार कर लिया करो, इससे जो है आपके जो बाइक का जो कलर है वो डल नहीं पड़ता।
और ये सनलाइट में ज़्यादा करना चाहिए आपको, जो धूप काल जो समर के सीज़न रहते हैं ना उसमें ज़्यादा करना चाहिए, उसमें हर 15 दिन में, हर 8 दिन में करना चाहिए। उससे जो है आपका जो कलर है वो डल नहीं होता और काफ़ी लंबे देर तक ये शाइन रखती है। और ज़्यादा नहीं, अगर इस पे पानी पड़ा तो 4-5 दिन में ही धुल जाता है और 2-3 वाश में ही धुल जाता है, मतलब अच्छा खासा है। तो इस तरीके का ये वीडियो था दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।